आज के इस व्याख्यान में हम प्रशासनिक सुधारों के अंतिम भाग में डलहौजी द्वारा भारत में किए गए सुधारों का जिक्र करेंगे, जिसने कि वास्तव में भारत में आधुनिकीकरण की नींव रखी। लॉर्ड डलहौजी 1848 में भारत आया। उसके काल की दो तरह की उपलब्धियां हैं। पहला तो उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को चरम बिंदु तक पहुंचा दिया। दूसरा उसके द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार। यद्यपि डलहौजी घोर साम्राज्यवादी था, फिर भी उसने भारत में सुधारों की तरफ ध्यान दिया। उसके समय में कंपनी की आर्थिक स्थिति संतोषजनक थी, इसीलिए डलहौजी के द्वारा विभिन्न आर्थिक योजनाओं में धन लगाना भी संभव हो पाया। डलहौजी ने प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण जनोपयोगी सुधार किए, इसीलिए डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। अब हम एक एक करके डलहौजी द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख करेंगे और देखेंगे किस तरह से उसके द्वारा किए गए कार्यों ने भारत में हर क्षेत्र में परिवर्तन लाए। डलहौजी ने प्रशासन के क्षेत्र में जो सुधार किया वह यह कि उसने जिन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, वहाँ तात्कालिक कानून व नियम लागू करने के बजाय उन्हें राज्य प्रशासन की अविनियम प्रणाली नॉन रेगुलेशन सिस्टम के अंतर्गत रखा। इस प्रणाली के अंतर्गत उस क्षेत्र के स्थानीय कानूनों एवं रीति रिवाजों को मान्यता दी गई, जब तक कि वे ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के विरुद्ध ना हों। डलहौजी ने ब्रिटिश भारत को अनेक जिलों में विभाजित किया। इसके अनुसार बंगाल व बिहार में 23 जिले, मुंबई में 13 जिले, मद्रास में 26 जिले और सिंध में 3 जिले बनाए गए। प्रत्येक क्षेत्र का प्रशासन एक कमिश्नर के अधीन रखा गया, जो सीधा गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होता था। कमिश्नर का मुख्य कार्य लगान वसूल करना तथा शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना था। जिला अधिकारियों को शासकीय पुलिस व न्यायिक अधिकार दिए गए। जिला अधिकारी जन साधारण की सुविधा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। केवल पंजाब में ही इस प्रणाली के अच्छे परिणाम निकले, शेष स्थानों पर इसके परिणाम जनता के लिए कष्टदायक ही सिद्ध हुए। प्रशासनिक सुधारों के पश्चात नंबर आता है सैनिक सुधारों का। डलहौजी द्वारा अनेक राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए जाने से सेना तथा प्रशासन का दबाव उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। पंजाब को अंग्रेजी राज्य में विलय हो जाने के पश्चात कंपनी की सीमाएं अफगानिस्तान से मिल गई और रूस के नज़दीक तक पहुंच गई थी। अतः सैनिक प्रशासन में परिवर्तन करने हेतु डलहौजी ने बंगाल के तोपखाने का केंद्र कलकत्ता से हटाकर मेरठ कर दिया। धीरे धीरे सेना का स्थायी केंद्र शिमला में बना दिया तथा सेना का प्रधान कार्यालय भी वहीं स्थापित कर दिया। अब शिमला भारत सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई, जहां गवर्नर जनरल अपनी परिषद सहित गर्मियों में रहने लगा। डलहौजी यह जानता था कि देशी राज्यों को हड़पने तथा शासकों की उपाधियां व पेंशन समाप्त कर देने से भारतीय सैनिकों में असंतोष उत्पन्न होगा। अतः उसने भारतीय सैनिकों की संख्या में कमी की, उन्हें असंगठित करने की कोशिश की और अलग अलग स्थानों पर भेजने की नीति अपनाई, ताकि वे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संगठित न हो सकें। डलहौजी ने पंजाब में एक अनियमित सेना तथा एक गोरखा रेजिमेंट स्थापित की। पंजाब की यह सेना तथा गोरखा रेजिमेंट 1857 के विप्लव के अवसर पर
अंग्रेजों के लिए बहुत सहायक सिद्ध हुए। इसके पश्चात हम देखेंगे रेल व्यवस्था। यद्यपि विश्व में पहला रेल मार्ग 1830 में खुल गया था, लेकिन डलहौजी के पूर्व किसी गवर्नर जनरल ने भारत में रेल निर्माण की योजना में कोई रुचि नहीं दिखाई थी। डलहौजी ने राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भारत में रेल व तार व्यवस्था का श्री गणेश किया। सबसे पहली रेल लाइन 1853 में बम्बई और थाने के बीच में बनाई गई। 1854 में कलकत्ता से रानीगंज तक दूसरी रेल लाइन का निर्माण हुआ तथा मद्रास में भी रेल लाइन बनाने का काम शुरू हुआ। 1856 तक भारत के भिन्न भिन्न भागों में रेलों का प्रचार हो गया। डलहौजी ने रेल लाइन बनाने की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की, जो भविष्य में भारतीय रेलों के विस्तार का आधार बनी। भारत में रेल निर्माण के लिए राजकोष पर भी बोझ नहीं पड़ा और ब्रिटिश पूंजीपतियों को लाभ कमाने का स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। ये ब्रिटिश कंपनियां सरकार के निरीक्षण में कार्य करती थी तथा भारत सरकार ब्रिटिश पूंजीपतियों को उनकी पूंजी पर ब्याज तथा 5% लाभ की गारंटी देती थी। डलहौजी ने भारत में तार व्यवस्था स्थापित करके संचार साधनों में क्रांति उत्पन्न की। उसके प्रयासों से भारत में 4000 मील लंबी तार सेवा प्रारंभ हो गई। फलस्वरूप देश के प्रमुख शहर तार सेवा द्वारा एक दूसरे से जुड़ गए। रेल तथा तार व्यवस्था स्थापित हो जाने के पश्चात अब सरकार एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से शासन कर सकती थी। आवश्यकता पड़ने पर अविलंब सेनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती थी। प्रत्येक क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं की जानकारी तार द्वारा कलकत्ता पहुंचाई जा सकती थी। 1857 के विप्लव के समय रेल तथा तार व्यवस्था अंग्रेजों के लिए वरदान सिद्ध हुई। अब हम देखते हैं उस डाक व्यवस्था में जो सुधार किए। डलहौजी के पूर्व भारत में जो प्रचलित डाक व्यवस्था थी वह भ्रष्ट, खर्चीली और विलंबकारी थी। सभी स्थानों पर डाक की दरें समान नहीं थी और जो पत्र प्राप्त करता था व्यक्ति उससे नकद पैसा वसूल किया जाता था। डलहौजी ने डाक व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए एक आयोग नियुक्त किया और इसकी सिफारिश के आधार पर एक डाक विभाग की स्थापना की गई, जिसका मुख्य अधिकारी डायरेक्टर जनरल होता था। उसकी सहायता के लिए प्रत्येक प्रांत में एक पोस्टमास्टर जनरल नियुक्त किया गया। पूरे देश में 753 डाकघर खोले गए और भविष्य में इनकी स्थापना का क्रम जारी रहा। डाक सेवा के लिए समस्त भारत में आधे तोले तक का पत्र 2 पैसे में भेजा जा सकता था और विदेशों में पत्र भेजने के लिए डाक दर 4 आने निर्धारित की गई। इस प्रकार भारत में पहली बार 2 पैसे व 4 आने के डाक टिकट जारी किए गए, जिससे अब नकद भुगतान की आवश्यकता नहीं रही। डलहौजी की इस डाक व्यवस्था से सरकार को भी आय होने लगी और जनता को भी फायदा हुआ। अब है सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन। डलहौजी के आगमन के पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य सैनिक बोर्ड के अधीन था और यह बोर्ड ठीक से सार्वजनिक निर्माण के कार्यों को नहीं कर पा रहा था। अतः डलहौजी ने एक अलग से सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। यह विभाग प्रत्येक प्रेसिडेंसी में स्थापित किया गया, जिसका मुख्य अधिकारी चीफ इंजीनियर होता था। उसके अधीन भारतीयों को प्रशिक्षण देने के लिए रुड़की व अन्य प्रेसिडेंसियों में इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किए गए। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पुलों, सड़कों, नहरों आदि के बनाने का काम हाथ में लिया।
प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि कलकत्ता से अमृतसर तक जाती थी के विस्तार का काम डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। प्रसिद्ध गंग नहर के निर्माण की योजना को कार्य रूप दिया गया। इसके अतिरिक्त कृष्णा डेल्टा, पोलार योजना और पंजाब नहर की योजनाएं भी इसी समय पूरी हुई। नहरों के निर्माण से किसानों को अत्यधिक लाभ हुआ। डलहौजी के ये सभी कार्य जो है भारत के लिए आधुनिकीकरण के लिए उचित रहे, लेकिन अब हम उसके जिस काम को देखने वाले हैं उससे भारत का व्यापारिक शोषण बहुत तीव्र हुआ। डलहौजी खुले व्यापार की नीति का समर्थक था, अतः उसने भारत के सभी बंदरगाह सबके लिए खोल दिए। कराची, बम्बई एवं कलकत्ता के बंदरगाहों में सुधार किया गया अंग्रेज़ व्यापारियों की सुविधा के लिए। अदन और माल्टा में भी बंदरगाह बनवाए गए। रेल, नहर एवं सड़कों के निर्माण से भी व्यापार में उन्नति हुई। ब्रिटिश माल के लिए भारतीय बाज़ार खोल दिए गए। भारत से कच्चे माल का निर्यात बढ़ गया। जहां 1848 में भारत से 15 लाख पौंड का कच्चा माल निर्यात होता था, वह 1856 में 35 लाख पौंड होने लग गया। इसी प्रकार ब्रिटेन से तैयार माल के आयात में वृद्धि हुई। 1847 में ब्रिटेन से लगभग 1.25 करोड़ पौंड का माल आयात होता था, जो 1856 में लगभग 2.5 करोड़ पौंड का होने लग गया। फलस्वरूप भारतीय व्यापार नष्ट हो गए। इस प्रकार डलहौजी ने बड़ी चालाकी से भारत का आर्थिक शोषण तीव्र कर दिया। डलहौजी के इन व्यापारिक परिवर्तनों ने भारत को आर्थिक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ दिया। अब हम उसका आखिरी सुधार, शिक्षा संबंधी सुधार पर विचार करते हैं। डलहौजी के समय में शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। ब्रिटिश संसद में भारत में शिक्षा की उन्नति के लिए एक समिति नियुक्त की। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर चार्ल्स वुड ने एक शिक्षा योजना 1854 में भारत सरकार को प्रेषित की, जिसे कि वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। हम इसकी कुछ केवल महत्वपूर्ण बातों को ही देखेंगे। वुड्स डिस्पैच में भारत में शैक्षणिक विकास का दायित्व ब्रिटिश सरकार का माना, और वो भारत को लेकिन किस तरह के शैक्षणिक विकास का दायित्व, जिससे भारतीयों को यूरोपीय कला, विज्ञान और दर्शन का ज्ञान हो सके, ताकि कंपनी को ऐसे विश्वास पात्र व्यक्ति उपलब्ध हो सकें जो कंपनी के अधीन विभिन्न पदों पर कार्य कर सकें। शिक्षा का माध्यम सभी स्तरों पर अंग्रेजी ना हो, ऐसा तभी किया जाए जब छात्र उनका पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लें। भारतीय भाषाओं के अध्ययन को भी प्रोत्साहन दिया जाए। निजी शिक्षण संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान प्रणाली प्रारंभ की जाए। प्राथमिक शिक्षा की ओर ध्यान देने की बात कही गई। छात्रों को छात्रवृत्ति देने की भी योजना तैयार की गई। छात्रों को केवल अकादमिक शिक्षा ही नहीं बल्कि कानून, आयुर्विज्ञान, कृषि और शिक्षण पद्धति की शिक्षा देने के लिए व्यावसायिक संस्थाएं स्थापित करने की भी बात कही गई। स्त्री शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देने के लिए स्त्रियों को विशेष सुविधाओं की बात की गई। शिक्षण संस्थाओं में मिडिल स्कूलों की स्थापना पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा निदेशक के अधीन एक शिक्षा विभाग की स्थापना की बात की गई। निदेशक की सहायता के लिए निरीक्षण अधिकारी नियुक्त किए जाएं।
जो अपने अपने क्षेत्र में शैक्षणिक कार्य की समय समय पर रिपोर्ट भेजते रहें। उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए भारत में विश्वविद्यालय खोले जाएं। विश्वविद्यालय में कुलपति के हों और एक सीनेट हो जिसका कार्य परीक्षाओं के लिए नियम बनाना। सबसे पहले विश्वविद्यालय जहां खुले हुए थे बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में। विश्वविद्यालयों के अधीन तथा उनके द्वारा नियंत्रित कॉलेज खोले जाएं तथा सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षकों द्वारा समय समय पर उनका निरीक्षण किया जाए। ये कॉलेज इंटरमीडिएट से डिग्री तक की शिक्षा प्रदान करें। कॉलेजों से नीचे हाई स्कूल, मिडिल स्कूल तथा एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूलों की स्थापना हो। इन संस्थाओं में नीची कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं हों। वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। इस योजना द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारतीय लोगों में शिक्षा के प्रसार का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लिया। समस्त भावी शैक्षणिक तंत्र की एक रूपरेखा इसके द्वारा तैयार की गई। अनुदान प्रणाली, छात्रवृत्ति योजना एक महान कदम था। स्वदेशी स्कूलों के प्रोत्साहन का प्रावधान भी प्रशंसनीय था। साथ ही स्त्री शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया गया। डलहौजी ने वुड की शिक्षा योजना को बड़े कारगर ढंग से लागू किया। मद्रास, कलकत्ता व बम्बई में विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बनाई। 1857 में ये विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। कानून एवं इंजीनियरिंग की शिक्षा की व्यवस्था की गई। कलकत्ता में एक महिला विद्यालय खोलकर स्त्री शिक्षा के आंदोलन को शक्तिशाली बना दिया।